नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश वंशरमानी, को फाउंडर तजुर्बा सीरियल एंटरप्रेन्योर, 43 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑथर ऑफ 7 बुक्स, 3 टाइम टेडएक्स स्पीकर एंड प्रेसिडेंशियल अवार्ड। हर घर एंटरप्रेन्योर एक बहुत बड़ा मिशन है मेरा, 1 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे बिजनेस ओनर्स को, वन्नाबी एंटरप्रेन्योर्स को स्किल्स देनी है इन वीडियोस के जरिए। ये एक सीरीज है मेरी, एक मिशन है जिसमें डिजिटली जितना भी कंटेंट हो सकेगा हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से आप नया बिजनेस शुरू करके या ऑलरेडी जो बिजनेस है उसको कैसे स्केल अप कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि भारत को एक विश्व गुरु, एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी आप ही बना सकते हैं। आपकी एनर्जी और मेरा तजुर्बा मिलके ये सब हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो आइए जुड़ते हैं और इस चैनल के साथ जुड़िए। बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो कोर्सेज और बहुत सारे ऐसे वीडियोज जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में हर तरह की स्किल में मदद करेंगे वो मैं लेके आ रहा हूँ, लाता रहूँगा और बहुत सारा कंटेंट आपको देता रहूँगा। तो आइए आज बात करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस की। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज एक हर कंट्री की लाइफलाइन होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्री बैंक्रप्ट हो जाते हैं, करेंसी उनकी बिल्कुल बुरी तरह डिवैल्यू हो जाती है और बहुत तकलीफ में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं रहते। इसलिए गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इस बिज़नेस को बहुत इंसेंटिव देती है और बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं इंडिया के साथ, ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जिनको आप भी समझ के एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे नए एरियाज, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। क्योंकि मैं खुद एक एक्सपोर्टर रहा हूं, मैंने एक ज़माने में 30 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। अगर आज के ज़माने से पकड़ें, 30 साल 35 साल पहले की बात है तो वो कोई 500-600 करोड़ का होगा। तो वो सारी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए देना चाहता हूँ। एंड तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट पे जाने का और वर्ल्ड में, दुनिया में और दुनिया में जगह जगह अलग अलग मुल्कों में ट्रैवल करने का, वो सब आपको एक्सपोर्ट में हासिल हो सकता है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। लीगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप पहले कंपनी बनाएंगे, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 2 आती है, आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, जो नॉर्मल आप किसी भी एक CA को बोलेंगे वो बनवा देंगे आपको। नंबर 3 आपको IEC कोड चाहिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, जो आप RBI को ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। नंबर 4 आपको RCMC चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हर इंडस्ट्री के ऊपर एक काउंसिल है, उस काउंसिल की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, पैन कार्ड लेना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी अपनी, उसके बाद IEC कोड लेना पड़ेगा और RCMC लेना पड़ेगा। 4 करके यू आर रेडी टू गो। ये B2B होता है, एक ग्राहक आपको मिला, ध्यान से सुनिएगा, एक ग्राहक आपको मिला, उसने एक टेस्ट ऑर्डर दिया, वो ग्राहक आपका कई करोड़ों का हो सकता है, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, कहीं भी ले जा सकता है। और मैंने अपनी लाइफ में, मेरी अपनी खुद की भी, 1 या 2 कस्टमर से जिंदगी बदल दी, इतने ऑर्डर्स दिए। सर, जो लोग एक्सपोर्टर बनते हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक्सपोर्ट फर्म में नौकरी करके सीखते हैं। अगर आप यंग हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप किसी ना किसी बड़ी एक्सपोर्ट फर्म में जॉब करें, वहाँ से सीखें। वो 2-3 साल आपके ज़िंदगी के बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उसके बाद ही कुछ शुरू कीजिए। और जिस सब्जेक्ट में, जिस कमोडिटी में, जिस प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसमें ही जॉब कीजिए, ताकि वहीं से आपको नॉलेज मिले, वहीं से टीम मिले, वहीं से मार्केट्स का आपको अंदाजा हो और अगर किस्मत अच्छी हुई तो बायर्स भी वहीं से मिल जाएंगे। हमारे टाइम में ऑनलाइन और इंटरनेट नहीं था, तो आज आप बहुत सारे कस्टमर्स ऑनलाइन गूगल एड्स, SEO के जरिए, क्योंकि इतने मुल्क हैं दुनिया में और कोई ना कोई सोर्सिंग के लिए इंडिया में सर्च कर रहा है, तो जब वो गूगल पे सर्च डालेंगे कि मुझे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर चाहिए, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर चाहिए इंडिया से, स्पाइसेस का एक्सपोर्टर चाहिए, सी फूड का एक्सपोर्टर चाहिए, लेदर गुड्स का एक्सपोर्टर चाहिए, मैन्युफैक्चरर चाहिए, तो आपकी साइट ऊपर आनी चाहिए। और कुछ ना कुछ अगर आपको आगे चल के मार्केटिंग बजट है तो गूगल ऐड पे ज़रूर खर्चा करें। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा एक इफेक्टिव मीडियम आज भी, हमारे टाइम में भी, हमें जब पहला ब्रेक मिला और आपको भी, आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं कोच करता हूँ, कंपनी जो एक्सपोर्ट बिजनेस में है, उन लोगों को मैक्सिमम बायर्स ट्रेड फेयर से मिलते हैं।
ऐसे ही दिल्ली में प्रगति मैदान है और नोएडा में एक्सपो है, बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक ऐसे ही बहुत बड़ा एग्जीबिशन ग्राउंड्स है, तो अलग अलग बड़े शहरों में भी एग्जीबिशन ग्राउंड्स है, बट मेनली बड़ी एग्जीबिशन दिल्ली के प्रगति मैदान और ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में ही होती हैं। और उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर यूरोप में होते हैं, हांगकॉन्ग में होते हैं और अमेरिका में लास वेगास में बहुत सारे फेयर्स होते हैं, तो आपको उन फेयर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप इंडिया से शुरू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ खर्चा कम होगा, बाहर जाने में कम से कम एक फेयर में 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है, लेकिन वॉक इन बायर्स बहुत मिलते हैं, फिजिकल मीटिंग होती है और वहाँ से अच्छे ब्रेक और कई बार नए कस्टमर, हमें ज़िंदगी के बड़े से बड़े कस्टमर इन ट्रेड फेयर से ही मिले। तो ट्रेड फेयर्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर आप इस लाइन में जा रहे हैं और आपके पास कैपिटल का कुछ अरेंजमेंट हो जाता है अपना या लोन लेके या कोई पार्टनरशिप आप करते हैं, तो ट्रेड फेयर्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो आइए चलते हैं किस तरह की आइटम्स इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं और इंपोर्ट होती हैं। तो एक्सपोर्ट की लिस्ट में नंबर 1 है क्लोथिंग। क्लोथिंग की अगर बात करें तो मेंस, लेडीज, चिल्ड्रन बहुत तरह की क्लोथिंग होती है जो वेस्टर्न फैशन के हिसाब से बनती है, कि आप उन कंट्रीज के अमेरिका या यूरोप के फैशन के हिसाब से बनाते हैं, जापान के फैशन के हिसाब से बनाते हैं, या अगर आप एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज ईदर टू ऑस्ट्रेलिया उस रीजन में है, या यूरोप में है, या जापान में है, या अमेरिका में है और साउथ अमेरिका में है। ये 5-6 रीजन हैं जहाँ पे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है और वो एक्सपोर्ट वहाँ के फैशन का होता है, डिज़ाइनर्स वहाँ से आते हैं, डिज़ाइन वहाँ से आते हैं और ज़्यादातर डिज़ाइन बायर्स देते हैं, आपका अपना लेबल अपना ब्रांड नहीं चलता, आप उनके ब्रांड से बनाते हैं। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो इंडिया से बहुत अच्छी चल रही है और उसमें ऑनलाइन बहुत बिजनेस। जी हाँ, ऑनलाइन बहुत बिजनेस है, दैट इज लेडीज एथनिक वियर। जो इंडियन पॉपुलेशन है बाहर, जो लोग भी इंडिया ट्रैवल नहीं कर पाते और ऑनलाइन उनको शादियों के लिए पार्टीज के लिए इंडियन वियर चाहिए, वहाँ भी दिवाली और फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उसके लिए उनको अच्छे कपड़े चाहिए, डिज़ाइनर क्लोथ चाहिए, तो बहुत सारी कंपनीज मैं यहाँ पर जानता हूँ। अगर मैं एक नाम लूँ तो आप उत्सव फैशन, अगर आप देखेंगे तो उनके कई हज़ारों पैकेज यहाँ से डेली कोरियर में जाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा अगर आप क्लोथिंग में जाते हैं, तो वेस्टर्न फैशन के साथ साथ जो इंडियन फैशन है, इंडियन एथनिक वियर है, इंडो वेस्टर्न वियर है, उसकी भी NRI पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अगर मैं बात करूं लंदन और अमेरिका में, UK एंड USA अगर दो मुल्कों की बात करें, और शहरों की बात करें तो मोस्टली न्यूयॉर्क और लंदन में काफ़ी बड़ी इंडियन पॉपुलेशन है, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन तो दुनिया में हर जगह है, इंडोनेशिया में भी है, चाइना में भी है, सो दिस इज़ ए वेरी गुड मार्केट टू एक्सप्लोर। आई नो कंपनीज दे आर डूइंग 100 to 200 crore, 100 से 200 crore का इस आइटम में एक कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। दोस्तों नंबर 2 मेरी लिस्ट में है जेम्स एंड ज्वेलरी। बहुत सारा इंडिया से ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है, डायमंड्स का एक्सपोर्ट होता है, और जेम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ऑल द प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो इस कैटेगरी का और उसमें मेजर सोर्स है सप्लाई का जयपुर। जयपुर से बहुत सारे ये प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर उनकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है, तो उस सब्जेक्ट को आप स्टडी करके, क्योंकि एक अच्छा मार्केट है जिसमें आप B2B एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू ट्रेड फेयर्स और अपनी वेबसाइट के जरिए। दोस्तों इंडिया में मिनरल्स बहुत अबंडेंस में हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं और उनमें बहुत सारा एक्सपोर्ट अच्छा खासा उस सब्जेक्ट में होता है, लेकिन उसमें छोटा काम नहीं हो सकता, जैसे अपैरल में छोटा काम हो सकता है, ज्वेलरी में 150 करोड़ का काम हो सकता है, लेकिन मिनरल्स में एक लार्ज सेटअप चाहिए और बहुत सारा माइंस के साथ डील करना पड़ता है, अपनी माइंस होती हैं, ग्रेनाइट का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, मार्बल का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है इंडिया से, लेकिन वहाँ पर ट्रेडिंग का स्कोप कम है। अगर आपके पास अपना ही कुछ वहाँ पर सेटअप हो तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मे बी विद अ लेस मार्जिन यू कैन डेवलप योर एक्सपोर्ट बिजनेस, बाद में आपका काम बढ़ जाए, सेल्स बढ़ जाए, तो आप अपनी माइंस और उस तरीके के अपनी फैक्ट्रीज उन एरियाज में जहाँ से भी, उदयपुर से और राजस्थान से और मकराना से और बहुत सारी ऐसी जगह से मार्बल और ग्रेनाइट्स आते हैं, वहाँ पर अपने सेटअप और अपनी माइंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कमोडिटीज। हमारे यहाँ से राइस, दालें और शुगर इस तरह की बहुत सारी और बल्क में एक्सपोर्ट होती है। राइस का तो इतना बड़ा मार्केट है वर्ल्ड वाइड, हालांकि मार्जिन बड़े थिन हैं,
लेकिन राइस में अगर आप टर्नओवर देखें तो हजारों करोड़ों का टर्नओवर है। और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे लोकल आपने देखा होगा, लाल किला, इंडिया गेट, ये लोकल पैकेजिंग रिटेल में तो करते ही करते हैं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट भी है। सो कमोडिटीज़ पे अगर आप एग्रो कमोडिटीज़ को, और बहुत सारे ऑयल्स हैं हमारे, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ा सोर्स भी है इंडिया में, तो दोनों तरफ से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इस सेक्टर को भी एक्सप्लोर करने का। जब भी आयुर्वेदा का दुनिया में नाम लिया जाता है तो लोगों के सोच में इंडिया का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि हमारी रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है आयुर्वेदा को लेकर, और बहुत अच्छा काम भी हुआ है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एक बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और अब धीरे धीरे करके जैसे ऑनलाइन और इंटरनेट में दुनिया ग्लोब खुलता चले जा रहा है, और इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केट है। जैसे मैंने क्लोदिंग में बताया कि कुछ ही कंट्रीज हैं जो इंडिया से क्लोदिंग यूज़ करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा हैज ए ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट है मेरी लाइन में दोस्तों सी फूड एक्सपोर्ट, बिकॉज इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट यहाँ से श्रिम्प फार्मिंग, फिश फार्मिंग, और फिश और सी फूड और श्रिम्प्स की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है यहाँ से, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। अगर उन एरियाज में आप कहीं पर कुछ इस तरीके का सेटअप लगा सकते हैं, कुछ स्टडी कर सकते हैं, वेरी लार्ज एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड इंडिया में सी फूड का होता है। तो ये था दोस्तों एक्सपोर्ट के बारे में, और इसमें बहुत ही बल्क वॉल्यूम होते हैं, 125 करोड़ों की एक्सपोर्ट होती है, और तकरीबन 3 से 5 साल में मैंने देखा एक जर्नी होती है। अक्सर 100 करोड़ प्लस का टर्नओवर बहुत सारे एक्सपोर्टर अचीव कर लेते हैं, और एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको एक्सपोर्ट के साथ ये मिलेगा कि देश दुनिया की सैर करने को मिलेगी। मैंने खुद 50 मुल्कों की सैर की है, 50 मुल्कों में ट्रैवल किया है, और ट्रैवल इज़ वन एजुकेशन यू कैन बाय विद मनी। आप अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, काम के साथ साथ मज़ा। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ किसी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए, वैकेशन करने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस में आपका ट्रैवल, आपकी वैकेशन और काम, सारी चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं।